बस 2 मिनट इसे लगा लो, चेहरा बेहद गोरा, खूबसूरत, टाइट बना देगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, खूबसूरत, साफ, बेदाग, चमकदार चेहरा हर कोई पाना चाहता है। ये दो चीजें यूज करके आप भी पा सकती हैं साफ और चमकदार चेहरा। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे का कालापन, दाग धब्बे साफ होंगे और त्वचा बेदाग, गोरी, निखरी दिखेगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि आप इस रेमेडी को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे बनाएं। इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन होगा तो उसे जरूर दबा देना, जिससे कि आप वीडियो की नोटिफिकेशन पाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आप इस रेमेडी के लिए कोई भी सफेद चावल यूज कर सकते हो। बॉडी वाइटनिंग के लिए चावल बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। कई सारी ब्यूटी क्रीम्स में भी चावल का यूज किया जाता है और कोरियन गर्ल्स भी राइस को स्किन वाइटनिंग के लिए यूज करती हैं। यह स्किन को साफ करता है, स्मूथ बनाता है, बेदाग और लाइटन करने में हेल्प करता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बॉल के अंदर सबसे पहले 4 से 5 चम्मच राइस यानी चावल डाल दीजिए और उसके बाद पानी के साथ इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, जिससे कि चावल में लगे जो केमिकल्स है, जो गंदगी है या फिर कोई पॉल्यूशन है, वो अच्छे से साफ हो जाए। उसके बाद आप आधी ग्लास के बराबर इसमें पानी डाल दीजिए। और दूसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पर आपको चाहिए होगा लेमन यानी नींबू। नींबू को धोकर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में छिलके सहित आपको काट लेना है। दोस्तों, नींबू के साथ नींबू का छिलका भी विटामिन सी से भरपूर है। इसके अंदर नेचुरल स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज दाग धब्बों को हल्का करती हैं, साथ ही त्वचा से टैनिंग को साफ करती हैं और त्वचा को चमकदार भी बनाता है। नींबू को इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और काटने के बाद चावल के इस पानी में इन्हें डाल दीजिए और एक बार से आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, आप इसे 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दें, जिससे कि दोनों अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स हो जाएं। अब 10 मिनट के बाद, जैसे कि आप देख सकते हो, 10 मिनट के बाद मैं इसे खोल देती हूँ और हाथ से आपको इन दोनों को अच्छी तरह से मसल लेना है। आप इन दोनों चीजों को हाथ की मदद से मसल लीजिए अच्छी तरह से और फिर इस रेमेडी को छान कर अलग कर लीजिए। दोस्तों, ये पानी जो आप देख रहे हैं चेहरे के कालेपन को हटाने में बहुत बहुत इफेक्टिव है। इस पानी का इस्तेमाल अगर आप अपने चेहरे पर करते हैं तो ये पानी आपकी स्किन पर एंटी एजिंग का भी काम करता है और त्वचा को साफ करने में मदद करता है। अब यहाँ पर आपको थर्ड चीज चाहिए होगी, रोज वाटर। रोज वाटर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज है जो त्वचा को साफ, मुलायम और बेदाग करता है। 2 चम्मच गुलाब जल इसके अंदर डालिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये रेमेडी आपकी बनकर के तैयार है। इस रेमेडी को आप किसी कॉटन की मदद से या स्प्रे की हेल्प से भी अपने चेहरे पर यूज कर सकते हो। मैं एक स्प्रे बॉटल के अंदर इसे भर लूंगी और रोजाना दिन में 3 से 4 बार आप इस रेमेडी को अपने चेहरे पर स्प्रे करें तो आप 1 हफ्ते में ही अपनी स्किन के कालेपन को साफ कर सकते हैं, त्वचा को बहुत ज्यादा स्मूथ, सॉफ्ट, ग्लोइंग और बहुत ज्यादा गोरा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई करके देखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप आने वाली वीडियोस पाते रहेंगे। मिलती हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।